गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. चलो कौन सा क्वेश्चन हुआ था बताओ. मैम फनल चालू था. फनल चालू था. अच्छा ठीक है. दो ही क्वेश्चन हुआ था. दो क्वेश्चन हुआ था. इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 14 वो हो गया था या वो बाकी था. अच्छा हाँ हाँ ये बाकी था ना. मैंने क्वेश्चन दिया था इसका. ठीक है. क्वेश्चन सबके पास है बताओ. ऐसा कोई है जिनके पास नहीं. नहीं है मैम के पास. नहीं है. हाँ अच्छा ठीक है. मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं है मैम. कल का नहीं आया अभी तक. नहीं डीआई का नहीं आया. डीआई का नहीं आया. अच्छा ठीक है. चलो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ अभी आपके लिए. ठीक है क्वेश्चन लिखती हूँ. जो डेटा है शॉर्ट में डेटा भी लिख देती हूँ. चलो थर्टी टू फोर्टी इयर्स का दिया था 15% 20 टू 30 इयर्स का दिया था 25% और 10 टू 20 इयर्स 33 1/3% 5 टू 10 इयर्स 16 2/3% बिलो 5 years 10%. ठीक है. ये जो परसेंटेज दिया है वो किसका है. पॉपुलेशन का है. और ये क्या है. ये सब एजेस है. ठीक है. ये सब एजेस है. 5 years मतलब जिनका एज बिलो 5 years है. जिनका एज 5 to 10 years में है. और ये सब उनका परसेंटेज दिया है. मतलब जो भी टोटल पॉपुलेशन होगा उसका ये परसेंटेज होगा. उसमें अगर आपको बिलो 5 years निकालना तो आप क्या करोगे 10% करोगे. ठीक है. चलो क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं. सेकेंड क्वेश्चन चालू था. इफ टोटल पॉपुलेशन इज 1,44,000 and persons having age of 25 years 38 years and 13 years are 33 1/3% 80% and 75% of their respective age group, then what is the Then, what is the total population having age of 25 years, 38 years? And 13 years together. ठीक है. यहाँ पे सही है. 65 to 80 सही है. वेरी गुड. देखो यहाँ पे आपको दिया है टोटल पॉपुलेशन 65 ना. हाँ मैम 65 to 80. ओके सही है. ठीक है. देखो यहाँ पे है 1,44,000 आपको दिया है टोटल पॉपुलेशन. और यहाँ पे क्या बोला है. देखो पर्सन्स हैविंग ऑफ 25 years जिनका एज 25 years है 38 years है 13 years 13 1 3 13 years है वो कितने हैं
33 1/3% है, 80% है एंड 75% है। तो यही आपको पूछा है कि जो 25 इयर्स वाले हैं, जिनका एज एग्जैक्ट 25 इयर्स है, ठीक है, जिनके मिडल में नहीं है, मतलब ऐसे 20-30 वाला नहीं बोला, जिनका एग्जैक्टली 25 इयर्स है, जिनका एग्जैक्ट 38 इयर्स है, जिनका एग्जैक्ट 13 इयर्स है, तो उन सबका टोटल आपको पूछा है टुगेदर, मतलब टोटल पॉपुलेशन हैविंग एज ऑफ 25 इयर्स, 38 इयर्स एंड 13 इयर्स। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन पूछा है इन तीनों का टुगेदर, मतलब साथ में प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा 25 इयर्स कहाँ पे आएगा, इसका आप डायरेक्टली 33 1/3% नहीं निकालोगे। क्यों नहीं निकालोगे, देखो ये टोटल पॉपुलेशन है ना, ये है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में ये सब डिफ्रेंशिएट किया है, जिनका एजेस बिलो 5 इयर्स है, जिनका 5-10 है, जिनका 10-20 है, जिनका 20-30 है, जिनका 30-40 है, ये सब डिफ्रेंशिएट किया है किसमें, इसमें। तो ये तो कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। आप इन सबका टोटल करोगे ना, ये भी 100 ही आएगा, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ये है, और इसमें अगर पूरा का पूरा ऐड किया जाए, जहां पे बिलो 5 इयर्स के जो पीपल है, पर्सन्स है, उनका सबका अगर टोटल किया जाए तो आपका 1,44,000 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 25 की बात हो रही है, तो 25 इयर्स कहाँ पे आएगा, देखो 20-30 इयर्स यहाँ पे आएगा 25 इयर्स, लेकिन यहाँ पे जो बोला है ना आपको 25% ये किसका 25% होगा, इसी का ही होगा ना, क्योंकि ये तो 100% वैल्यू है। इसका 25% निकालोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, जो 20-30 इयर्स में होगा वो वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली 25 इयर्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो 20-30 इयर्स में है ना, उसका परसेंट निकाल के उसका 33 1/3% निकालोगे, डायरेक्टली इसका 33 1/3% नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो 25 इयर्स के लिए क्या करोगे, आप सिर्फ 25 इयर्स का निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1,44,000 यहाँ पे आएगा, 1,44,000, ठीक है। इसका कितना परसेंट आएगा, 25 इयर्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब इसका 25%, मतलब इनटू क्या करोगे आप, इनटू 25 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, 20-30 इयर्स का वैल्यू मिलेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली 25 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसका 33 1/3% निकालना है, मतलब डायरेक्टली क्या होगा, इनटू 1/3, 33 1/3% का डायरेक्टली फ्रैक्शन में देखा जाए तो 1/3 आता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/3, जब भी आपको 33 1/3% लिखे डायरेक्टली आप 1/3 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इससे आपको मिलेगा जो पर्सन, जो जितने भी पर्सन, जितना भी पॉपुलेशन है 25 का, 25 इयर्स है जिनका एज, उनका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा आपको। सेम आपको क्या करना पड़ेगा, 38 इयर्स के लिए करना पड़ेगा। अभी देखो 38 इयर्स के लिए 1,44,000 तो आएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे 1,44,000, उसका कितना परसेंट आएगा, अगर 38 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 30-40 में आएगा, 38, मतलब इसका 15% 15 डिवाइडेड बाय 100 होगा, इनटू 38 इयर्स का परसेंटेज कितना दिया है, 80% दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 38 इयर्स का पॉपुलेशन मिलेगा यहाँ पे, 38 इयर्स। वैसे ही देखो 13 इयर्स निकालना है, यहाँ पे लिख लेते 13 इयर्स का भी सेम आएगा 1,44,000, 13 कहाँ पे आएगा, 10-20 में आएगा, मतलब 33 1/3%, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, 1/3 इनटू इसका 13 इयर्स का परसेंटेज कितना दिया है, 75%, 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4, अगर आपको नहीं पता डायरेक्टली 75 डिवाइडेड बाय 100 लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 25 इंटू 1 होगा 25 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 100। अभी यहाँ पे नीचे कितना बाकी है, 4 × 3 = 12 बाकी है, ठीक है, तो डायरेक्टली 12 से इसको डिवाइड कर दो, नीचे है ना 4 × 3 = 12, तो दोनों कैंसिल करो, 12 हो गया नीचे, 12 × 1, ऊपर किससे जाएगा, 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। मिल गया आपको 25 इयर्स का टोटल पॉपुलेशन, ये मिल गया आपको वैल्यू 12,000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो
यहाँ पे फोर, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे लिख दो फोर डिवाइडेड बाय फाइव, फिर से ये फाइव है ना, इससे फाइव इंटू थ्री कर दो, यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। ये जो जीरो जीरो है कैंसिल कर दो, जीरो जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? हाँ बोलो मैम, आपने 25 लिया हो समझा, लेकिन 1/3 का हासिल लिया मैम आपने। एक एक वन बाय थ्री आपको पता नहीं 33 1/3% का डायरेक्टली आता है, 1/3 बताया था ना मैंने। हाँ मैम, लेकिन समझा नहीं आपने, देखो उसमें क्या बोला है कि टोटल पॉपुलेशन इज मतलब वो, और पर्सन हैविंग 8.5 का कितना बोला था 33, तो 1/3 लिया मैम उसका, तो 25 का से लिया आपने मैम। ये 25 ना, ये 25% है ना। अच्छा देखो यहाँ पे जो बोला है ना 25 years, वो किसका 25, ये जो 25 years का आपको जो परसेंटेज दिया है यहाँ पे 33 वन बाय थ्री, वो किसका परसेंट दिया है? इसका परसेंट दिया है। जब आप 1,44,000 का 25% निकालोगे तो जो वैल्यू होगा उसका 25 years निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/3। तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 years कहाँ पे आएगा, किस में आएगा, एज किस में आएगा, 20-30 में आएगा ना, 25 इयर्स का एज यहाँ पे आएगा, तो इसका परसेंटेज कितना दिया है 25%, वो ही यहाँ पे लिखा है। वैसे सेम मैंने यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया, समझा? हाँ मैम समझा। चलो ठीक मैम, यहाँ पे हाँ बोलो मैम, ये क्यों करवा रहे हो अभी, आपने कल ही तो करवाया था ये मैंने सॉल्व किया नहीं था ना, किया सॉल्व नहीं किया था, का सॉल्व किया था। चलो 144 इंटू 4 इंटू 3 कितना होगा 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो 17280, यहाँ पे आएगा 17280। यहाँ पे देख, यहाँ पे 25 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा 25 इंटू 4, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 144 को डायरेक्टली डिवाइड करो 4 से, यहाँ पे कितना आएगा 36 आ रहा है। हाँ यहाँ पे 26 ना, 36 सही है। देखो यहाँ पे आया 36, यहाँ पे आया 1,17,200, यहाँ पे आया 12,000, तीनों का टोटल करना है आपको, यहाँ पे लिख दे 12,000 प्लस 17,280 प्लस 36,000, यहाँ पे आएगा 65 to 80. किसी को डाउट है इसमें? मैम डीआई का एक दिया है ग्रुप में, ये मतलब क्या? रेडाग्राफ। अच्छा वो ही लेना है, इसके बाद लेना है वो।
मैम थाने के ग्रुप में नहीं आया है। थाने में नहीं आया? एक मिनट, बाकी सब जगह आया क्या? देखो नहीं मैम नहीं आया, दादर में आया मैम। दादर में आया? अच्छा ठीक है। मीरा रोड में नहीं आया? मीरा रोड में नहीं आया। चलो आ जाएगा फिर। ये हुआ लिख के सबका? मैम थाने में आ गया। आ गया ना? ओके चलो मेरा रोड में भी पहुंच जाएगा। आ गया मैं। वो स्पाइडर का वेब जैसे दिखता है ना? हाँ स्पाइडर वेब जैसे दिखता है। चलो ये रफ कर दूं, हो गया ना लिख के? बोलो। हाँ मैम। चलो क्वेश्चन थ्री, इफ द डिफरेंस बिटवीन पर्संस हुज एज इज बिटवीन 10 to 20 years, 10 to 20 years, and persons with age अच्छा यहाँ पे with नहीं आएगा, with भी चल जाएगा, whose age is between 5 to 10 years is 1/5 15,000. Then find the number of persons whose age is between 20 to 30 years. इसका फ्रैक्शन में लो, ठीक है? ये वाला जो बोला है उन्होंने, इसका फ्रैक्शन में लेके करोगे तो आएगा आपका आंसर 5,000. आ रहा है? यस मैम। 5,000? यस मैम। यहाँ पे 10 आ रहा है? हाँ। नहीं मैम, 22,500 लेंगे, कहाँ पे 2/3? ये वाला 16 2/3 है, 66 2/3 नहीं, उसका 1/6 आता है ना? हाँ 1/6, 2/3 नहीं आएगा। वेरी गुड कोमल, सही है, 22,500 आना चाहिए। आपको डिफरेंस दिया है यहाँ पे, जो 10 to 20 years वाले है और जो 5 to 10, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपको ये दिया है 15,000, और पूछा क्या है 10 20 to 30, मतलब इसका वैल्यू पूछा।
ये ऐसे माइनस करोगे ना डायरेक्ट तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डायरेक्ट अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो वो ही माइनस करो, ये मत माइनस करो, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। में से माइनस करोगे तो चलो बताओ कितना आ रहा है। मैम आंसर कितना आ रहा है आपका आया? 22,500। वेरी गुड बादल, सही है। मेरा 37,750 आ रहा है। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड प्रिंसी, तुम ये तो बनाया हो क्या थोड़ा है? चलो बाकी सब भी बता, आपको डिफरेंस लेना है, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हो, उसके बाद 20 to 30 मतलब उसका 25% आए। देखो यहाँ पे दिया है आपको डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस दिया है मतलब ये जो वैल्यू है ना ये पॉपुलेशन का डिफरेंस है, लेकिन कौन से पॉपुलेशन का, वहां पर देखो 10 to 20 ईयर्स दिया है, ये वाला और आपको दिया है 5 to 10 मतलब ये वाला, ठीक है। अभी आपको इसका फ्रैक्शन पता है 33 वन बाय थ्री का डायरेक्ट फ्रैक्शन आता है 1/2, ठीक है, माइनस 16 2/3% का फ्रैक्शन आता है 1/3। नेटवर्क इशू हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो फिर से, क्या बोला, क्या बोला आपने? मैम फिर से एक बार बोल दीजिए ना जो आपने बताया, नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, चलो 33 1/3% का डायरेक्ट आएगा 1/3 और 16 2/3% का डायरेक्ट आता है फ्रैक्शन 1/6, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए तो और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, नहीं तो ये लोगे ना तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है, डिफरेंस पॉपुलेशन का कितना है 15,000, मतलब इन दोनों की डिफरेंस का वैल्यू है 15,000, क्योंकि परसेंटेज के डिफरेंस का वैल्यू 15,000 है तो उनके फ्रैक्शन का डिफरेंस भी तो 15,000 ही होगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, तो हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ तो भी चलेगा, या तो नीचे 6 लेके करोगे तो भी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 लेके करो ना, अच्छा वही वैल्यू आएगा, करो करो करो, हाँ वो ही आने वाला इनडायरेक्टली। यहाँ पे देखो 3 into 2 होगा 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 2 है 6 तो वही 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 6 into 1 होगा 6 तो वही क्या हो जाएगा into 1, तो यहाँ पे 2 into 1 क्या होगा 2 माइनस 1 into 1 क्या होगा 1 इक्वल्स टू 15,000, ठीक है। 2 - 1 कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1/6 का वैल्यू कितना आया, क्यों किया, लेकिन डिफरेंस दिया ना ये वाला 15,000, इसलिए हमें भी डिफरेंस से कंपेयर करना पड़ेगा, हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी वैल्यू नहीं, सिर्फ यही दिया है हमें वैल्यू, इसलिए हमें ये निकालना पड़ेगा, तभी तो बाकी जब हमारा टोटल पॉपुलेशन आएगा तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें टोटल पॉपुलेशन नहीं पता है, हमें उन्होंने डिफरेंस दिया है, इसीलिए हमें भी डिफरेंस से ही जाना पड़ेगा, ठीक है।
देखो 1/6 का वैल्यू है 15,000, ठीक है, नीचे जो होता है ना वो होता है टोटल, ठीक है, नीचे जो होता है टोटल, ऊपर है 1 का वैल्यू, उन्होंने बोला है अगर 6 में से 1 का वैल्यू 15,000 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 90,000. 1 का वैल्यू अगर 15,000 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 × 6 कितना होगा? 90, मतलब 90,000. ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन, ये होगा टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये 90,000 टोटल पॉपुलेशन है, मतलब 100% की वैल्यू है 90,000. हमें क्या पूछा है? 20 to 30 years, 20 to 30 years मतलब 25%, तो इसका 25% निकालना पड़ेगा, मतलब 90,000 × 25/100, 00 कैंसिल कर दो, 00 कैंसिल कर दो, 25 × 9 हो जाएगा 225 और 00 आएगा, मतलब 22,500 आ जाएगा, ठीक है. किसी को डाउट है इसमें बोलो. मैम एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बताओ ना. देखो यहाँ पे 1/6 का वैल्यू आया 15,000, मतलब क्या होता है, ये जो 1 है ना ऊपर, इसका वैल्यू 15,000 है, तो 6 का वैल्यू कितना आएगा? ये नहीं मैम, ऊपर ऊपर मैम, वो ऊपर में एलसीएम लेके किया ना. अच्छा एलसीएम वाला, एलसीएम वाला नहीं समझा. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैम, यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा, माइनस 3 × 1 कितना होगा? 3, और 6 × 3 = 18 हो जाएगा. 6 − 3 = 3 डिवाइडेड बाय 18, यहाँ पे कितना आएगा? 1/6. ओके मैम, और किसी को डाउट है? नो मैम. मैम 2 से इनटू किया था ना 1 डिवाइडेड बाय 3 को, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 से क्यों किया? 3 × 2 होगा ना 6, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया. 6 × 1 होगा 6, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे मैम 3 और 6 का एलसीएम लिया है ना आपने? हाँ 3 और 6 का लिया है, सही है. और नीचे 6 बनाने के लिए 2 से इनटू किया ना? नहीं, ऐसे नहीं है. एलसीएम जब भी लेते हैं ना हम नीचे वाले वैल्यू का लेते, तो 3 और 6 का एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा. 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है, ठीक है. तो जब भी नीचे वाला वैल्यू हम देखते हैं कि नीचे वाले वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें ये वैल्यू मिले, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, तो वही मल्टीप्लीकेशन हम ऊपर करते हैं. वैसे यहाँ पे भी 6 × 1 होगा 6, तो वही हमने क्या किया? ऊपर लिख दिया, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 × 1 = 1 हो जाएगा. ये एलसीएम लिया है. हाँ एलसीएम लिया है, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा ना, तो वो एलसीएम लिया है. मैम कोई तो डाउट पूछ रहा है, कोई तो बोल रहा है. हेलो मैम, हेलो मैम. आपको किसी से कम आ रहा है? वॉइस बहुत कम आ रहा है उनका, बहुत स्लो है. मैं भी बोलो मैम, वो 6 के कैसे ले आपने? अरे मतलब वो टोटल है पॉपुलेशन, ये कैसे पता चला? वो टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है. 1/6 का 15,000, मतलब मैंने 6 ये बोल रहे हो ना, ये वाला वैल्यू? हां हां हां. अच्छा तो वो टोटल है और 1 ये कैसे पता चला? अच्छा देखो 1/6 फ्रैक्शन में है, ठीक है. 1/6 का वैल्यू कितना है? 15,000. तो जो ऊपर होता है ना उसी का ही वैल्यू दिया होता है, और नीचे जब भी होता है ना आपको फ्रैक्शन मिलेगा कभी भी ना, तो नीचे होता है टोटल. ये है टोटल, मतलब 6 में से 1 का वैल्यू कितना है? 15,000 है, तो 6 का वैल्यू कितना आएगा? वो ही मैंने किया, नीचे का टोटल होता है, तो 6 में से वो बता रहे हमें कि 6 में से अगर 1 का वैल्यू 15,000 है ऐसे, तो इसलिए 1 का वैल्यू डायरेक्टली 15,000 लिया, तो 6 का वैल्यू कैसे कितना आएगा? इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 15 × 6 कितना हो जाएगा? 90. तो हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन होगा 90,000, ठीक है. तो फ्रैक्शन में होगा ना, तो जो ऊपर का वैल्यू होता है ना उसी का ही वैल्यू दिया होता है, और नीचे का मतलब होता है इनडायरेक्टली टोटल ही होता है, वो सम टोटल ऐसे होता है, ठीक है. समझा ऋषभ? मतलब हमेशा ऐसे ही करना है, जो भी फ्रैक्शन में आएगा तो ऊपर का वैल्यू जो रहेगा इक्वल टू के बाजू में, वो ऊपर का वैल्यू रहेगा.
हाँ मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसे फिक्स करके मत चलो कभी कभी, मतलब वो डिपेंड करता है जैसा वैल्यू है, जैसा क्वेश्चन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही है मीनिंग। हेलो मैम। हाँ बोलो। ये एलसीएम का फिर से बताने को है। यहाँ पे एलसीएम का 3 और 6 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आएगा? 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे 6 लिख दिया, ठीक है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 6 मिलेगा, 2 से करेंगे तभी तो हमें 6 मिलेगा। तो ये जो 2 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 2 को हमें ऊपर वाले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर से 6 × 1 होगा ना, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 6 मिलेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो 2 − 1 हमें मिलेगा 1, और डिवाइडेड बाय जो 6 है वो एज इट इज आएगा। जब भी आप एलसीएम लेके ऐसा ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा आपको, तो आपको यही मेथड से जाना होता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने ऐसा बताया आपको, सिंप्लीफिकेशन शायद आपने नहीं देखा होगा इसलिए आपको नहीं पता है। चलो मैं आपका तो हो गया। हेलो, किसी को डाउट है? हाँ मैम, मुझे डाउट है, ये 90,000 है ना, 90,000 का 25% क्यों लिया? मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है ना कि मतलब इसका ये इससे लेना है करके। क्योंकि 90,000 हमें टोटल पॉपुलेशन मिल गया। अभी ये जो परसेंटेज आप निकालोगे वो किसका निकालोगे? 100% के वैल्यू का, जो कि टोटल पॉपुलेशन होगा उसी का ही निकालोगे ना। तो वही टोटल पॉपुलेशन हमें मिल गया है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गया है टोटल पॉपुलेशन का, तो इसी का ही परसेंटेज जो भी पूछेंगे आप इसी का ही निकालोगे, इसी का ही परसेंटेज निकालोगे, क्योंकि ये टोटल पॉपुलेशन है। मतलब 100% का वैल्यू हमारा 90,000 आया है, ठीक है, इसीलिए 25% 90,000 का निकालो, और कोई वैल्यू का नहीं आएगा यहाँ। मैम लेकिन ऐसा 100% मतलब ऑल मतलब वैल्यू लेना पड़ेगा ना, हर मतलब 30 to 40 हर एक का लेंगे तभी 100% होगा ना, तभी 100% होगा, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया है ना डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है इसका वैल्यू हमारा कितना आया? 1/6 का वैल्यू। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आया हमारा? 1/6 आया, ठीक है। उन्होंने बोला है ना डिफरेंस, डिफरेंस का वैल्यू कितना है? 1/15,000 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा है? हाँ मैम समझा, मेरे को पूरा सम समझा, जस्ट 90,000 पे क्यों लिया 25% वो नहीं समझा। अच्छा देखो यहाँ पे 1/6 मतलब नीचे जो वैल्यू होता है ना, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/6, तो नीचे जो वैल्यू है ना यहाँ पे वो बता रहे हमें कि अगर 6 में से 1 का वैल्यू 15,000 है, ठीक है, 6 में से अगर 1 का वैल्यू है 15,000 तो हम निकालेंगे ना 6, मतलब यहाँ पे जो होगा वो टोटल होगा, टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे 6 हमें जो मिला है वो क्या है? टोटल पॉपुलेशन है। 6 में से अगर 1 का वैल्यू 15,000 है तो 6 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 90,000, क्योंकि नीचे जो होता है वो होता है टोटल। तो 6 का वैल्यू यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में देखा जाए तो 6 का वैल्यू, 6 का मतलब ही है टोटल पॉपुलेशन। तो 6 में से हमें 1 का वैल्यू दिया है 15,000, तो 6 मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन है तो 15,000 × 6 करेंगे जो 90,000 आएगा वो हमें क्या मिलेगा? टोटल पॉपुलेशन मिलेगा। आप यहाँ पे करोगे ना अगर परसेंट लेके, आपको फ्रैक्शन है इसीलिए नहीं समझ रहा है, लेकिन फ्रैक्शन इजी है, देखा जाए तो फ्रैक्शन इजी है। आप अगर यहाँ पे करोगे ना 33.33 − 16.66 करोगे तो जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू आप क्या लोगे? 15,000, ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी वैल्यू आएगा इन दोनों का डिफरेंस उसका वैल्यू लोगे 15,000, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा? आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आपका आंसर 90,000 ही आएगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखना। चलो और किसी को डाउट है? रफ कर दूं मैं? बोलो।
क्वेश्चन फोर, इफ टोटल पॉपुलेशन इज 60,000, देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन of persons between 5 to 10 years (10 to 20 years) and 30 to 40 years. 45,000, ma'am. 45. 54 सही है, आपने उल्टा बोला सर, 54,000 सही है, वेरी गुड. फाइव टू टेन, 10 to 20 एंड 30 to 40, ठीक है, इन तीनों का एडिशन करना. मैम आंसर 54 है क्या? 54,000. वेरी गुड, सही है. 54,000 मैम. वेरी गुड, रेनू सही है. चलो बाकी सब बताओ. टोटल पॉपुलेशन आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, आपको किसका टोटल निकालना है, 5 to 10, 10 to 20 एंड 30 to 40 का टोटल निकालना. क्या हुआ? 20 to 30 एंड एक सेकेंड, 5 to 10 years, 10 to 20 years, 20 to 30. अच्छा यहाँ पे 20 to 30 भी है, यहाँ पे है 20 to 30 years, ठीक है, 20 to 30 भी है, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40. जिनका आंसर आया है अभी समझ लो कहाँ से आया है, आंसर तो सही बोला है. मेरा 39 बराबर 39 आ रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ क्यों आ रहा. हाँ मैम, मेरा भी आया. अरे अभी 54 आया. अभी 54 आएगा ही, अभी 54 आएगा. लेकिन अभी मैं ये आंसर किसका आया था? मैं भी वही हूँ. मैम कमेंट में देखो, मैसेज डाले सब. मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं, मैंने एक मिस किया था यहाँ पे, फिर भी आंसर आया सही. अभी आया. मैंने सारे परसेंट पहले निकाले थे. मैम पहले करवाया था ना आपने, उससे ही बताया. लास्ट लेक्चर का देख के बताया. अरे मैम मैंने 45 बराबर बोला था. तो 45 आया था आपका बादल. मैम 39 होना चाहिए था. 39 आ रहा था मैम पहले. 39 आना चाहिए था. मैंने ये जो 5 टू 10, 20 टू 20, 20 टू 30 वैसे ऐड कर दिया था, मैंने 30 टू 40 देखा ही नहीं उस टाइम पे. मैंने
गलत अज्यूम किया था। यस मैम 54,000। 54 वेरी गुड सही है। अभी यार 15 का 3/20 आता है ना फ्रैक्शन 15 का। हाँ मतलब डायरेक्ट देखो जाए तो डिवाइड कर देंगे तो 3/20 आएगा। सही है वेरी गुड पूनम वेरी गुड हर्षल आया मैम वेरी गुड प्रिंसी आया। चलो अच्छा चलो देखो 5 to 10 मतलब ये वाला ठीक है ये वाला बोला है। 10 to 20 मतलब ये वाला बोला ठीक है। उसके बाद 30 to 40 मतलब ये वाला बोला है और 20 to 30 मतलब ये वाला ठीक है। ये चारों का टोटल बोला है ठीक है। ये चारों का आप क्या करोगे सेपरेट सेपरेट करोगे उसके बाद टोटल करोगे ठीक है। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ये हमें चार आने से मतलब है ना चाहे कैसे भी करें 100% में से 10% माइनस करोगे तो यही बचेगा। मतलब 60,000 का 10% कितना आएगा 6,000 ये हो जाएगा 10% ये है 100% 60,000 माइनस 6,000 कितना आएगा 54,000 आ जाएगा हमारा आंसर। ये सेपरेट सेपरेट करने से अच्छा स्मार्ट वर्क किया। हाँ स्मार्ट वर्क करना ही है यही समझना आपको यहाँ पे। मैम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया अच्छा क्या पूछा है ये चारों पूछा है ना टोटल परसेंट कितना है हमारा 100% है ठीक है। 100% में से मैंने क्या किया ये जो बचा हुआ 10% है वो माइनस कर दिया तो कितना परसेंट बचेगा 90%। इसका एडिशन करके देखो 90% ही मिलेगा सबका एडिशन करो 90% ही आएगा। हाँ मैम हमें चार चाहिए हमें बस चार चाहिए चाहे आप कैसे भी निकालो आपको चार चाहिए। अगर आपको पांच पूछा होता तो पांच तो ऐसे पूछेंगे नहीं 100% ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप सेपरेट सेपरेट निकालोगे चारों का फिर क्या करोगे फिर ऐड करोगे इससे अच्छा हमें जो नहीं चाहिए वो टोटल में से माइनस कर दो जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। समझा उसको ऐड कैसे करेंगे देखो 33 1/3 और 16 2/3 को ऐड करके दिखाओ ना मैम एक बार। ऐड करके ऐड क्यों करना मैम 50% होता है वो 90 ही आएगा 90 देखो यहाँ पे 15 और 25 कितना आएगा 40 आएगा ठीक है 40 आएगा 33 1/3 मतलब कितना उसका आता? 33 होता है 16.66 हो जाएगा ठीक है। 40 नहीं आएगा 15/100 और 25/100 आता है ना ये हो जाएगा 49.99 मतलब कितना हो जाएगा 50 plus 40 कितना होगा 90 हो रहा है हो गया 90 मैम वो फ्रैक्शंस का ऐड किया तो पूरा 50 होता है 50 ये वाला 50 अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ। ये वाला ज्यादा इजी एक्चुअली फ्रैक्शन से करोगे या तो थोड़ा इजी होता है मतलब 1/3 plus 1/6 करोगे तो थोड़ा ये वाला ज्यादा इजी लग रहा है मुझे यहाँ पे मैम ये फ्रैक्शन मतलब 1/3 plus 2/3 तो वो 33 plus 16 और वो ब्रैकेट में 1/3 plus 2/3 वैसा बोल रहे हैं। हाँ तो 1 हुआ तो 49 जिससे सिंपलीफिकेशन में था ना मैम। हाँ वैसे भी ठीक है वैसे भी करोगे आंसर तो 50 आएगा ना दोनों का टोटल तो 50 आएगा और जो ये दोनों है उनका टोटल आएगा 940 50 plus 40 90 हो जाएगा ठीक है। देखो कितना टाइम बचेगा स्मार्ट वर्क करोगे तो सबको समझा ना कैसे आया 54,000 किसी को डाउट है इसमें बोलो फिर से बोलो मैम 6,000 कहाँ से लिया आपने 6,000 मैंने 10% निकाला 100% कितना है 60,000
माइनस 10% किसका होगा? 60,000 का 10% कितना आएगा? 6,000. तो हमें 90% मिलेगा. 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 54,000. समझा? बोलो, समझा? हाँ मैम, समझा. ओके, ठीक है. और किसी को डाउट है बोलो. मैम मुझे ये 90% समझा, बट 90 ये 60,000 है ना, माइनस 6,000 क्यों लिया है वो समझ में नहीं आ रहा है. 90% आएगा कैसे? जब आप 100% माइनस 10% करोगे तभी तो 90% समझा मैम. हाँ वो 90% आया वो समझा. इधर ये जो आपने 60,000 माइनस 6,000 किया है वो समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, 100% का वैल्यू कितना है? 60,000 है ना. 60,000, हाँ. वो 60,000 लिख दिया. अब इस 60,000 का आप क्या करोगे? 10% करोगे. 0,0 कैंसिल, 0,0 कैंसिल, कितना बचेगा? 6,000. 10%. मतलब ये 10% जैसे ही इधर लिखा है वैसा उसका लिया, मतलब अभी 90% का वैल्यू 54,000 है, ऐसा ना? हाँ, समझा. डायरेक्टली भी 60,000 का 90% निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं, वैसे भी चलेगा. लेकिन 90% के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि इन सब का एडिशन 90 आ रहा है. कब पता चलेगा? जब माइनस 10 करोगे तभी तो पता चलेगा. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पता चल गया तो आप डायरेक्टली 90% भी निकाल सकते हो. ठीक है, रब कर दो. हो गया सबका लिख के? चलो नेक्स्ट है रडार ग्राफ. जो आपको आया है देख लो एक बार, जो ग्रुप में आया देख लो एक बार, रडार ग्राफ देख लो एक बार सब. देखा सबने क्या दिया है उसमें? देखो सब कंपनीज के बारे में दिया है वहां पे. TCS, TCS, Wipro, Infosys, HCL, Tech Mahindra, IBM and L&T. सबके बारे में दिया है. और आपको तीन आपको देखो तीन कलर दिख रहा होगा वहां पे रडार ग्राफ में, रेड, ब्लू एंड ग्रीन है. ठीक है, तो रेड वाला, ब्लू वाला जो है वो है 2013 का वैल्यूज दिया वहां पे. वो इनकम दिया, इनकम दिया आपके आपको वहां पे. ठीक है, सब इनकम दिया है, इनकम मतलब कंपनीज का 2013, 14 एंड 15 का. हर एक कंपनी का आपको इनकम दिया है. 2014 रेड वाला है और 2015 है ग्रीन वाला. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो कंपनीज है वो लिख रही हूँ आपको, वो देख के रडार ग्राफ देख के खुद से लिखना है, फिर मुझे बताना है. ठीक है, स्टार्ट करो विप्रो से, स्टार्ट करो विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, वैसे स्टार्ट करो. और 2013, 14 एंड 15 का लिखो, जैसे यहाँ पे 2013, 14 एंड 15. और आपको वैल्यू समझना चाहिए वहां पे, जो डैश पॉइंट है ना लाइन पे,
आपको पीछे से देखना है, देखो सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट जैसे यहाँ पे रेडायग्राफ ऐसे है ना, ठीक है ऐसे समझ लो थोड़ा सा ऐसे है ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट पॉइंट जो बोला है ना आपको, वो है 80। बैक पीछे से जाना ठीक है, यहाँ से मत काउंट करो, पीछे से जैसे 80 हो गया, उसके बाद का लाइन क्या हो जाएगा 70, उसके बाद का लाइन क्या हो जाएगा 60, वैसे आपको काउंट करना है 80 70 60 50 40 वैसे करना है, और आप आपके बुक में लिख दो एक बार देखिए। मैम जो 10 20 30 40 लिखा वैसे ही आपने बताया ना? हाँ, लेकिन बैक से जाना, पीछे से जाना, 80 70 60 जो है ना वो आपको लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे ना मैम? हाँ, छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे ना, 80 से पीछे जाना, 80 70 60 ऐसे जाना है, बड़े से छोटे की तरफ, जहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, जैसे ब्लू लाइन टच हो रहा है जहाँ पे, तो ब्लू लाइन किसका है 2013, तो 2013 में जहाँ पे ब्लू लाइन टच हो रहा है तो वो वैल्यू आप लिखोगे, वैसे कि ग्रीन का भी करना है, वैसे रेड का भी करना है ठीक है। उसके बाद कैसे पता चलेगा, एग्जाम में भी ब्लू लाइन ही दिया रहेगा क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, लाइन दोगे लेकिन आपको पता चलेगा ना, अभी आप देखोगे खुद से, इसीलिए तो मैंने भेजा है ये, आपको खुद से पता चलना चाहिए, यहाँ पे रेड लाइन है, वहां पे रेड लाइन नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे 3 है, वहां पे 4 भी दे सकते हैं, वहां पे 2 भी दे सकते हैं, 2 लाइन का भी हो सकता है या 2 ईयर मतलब का भी हो। जैसे रेड लाइन का नेम कुछ अलग है, ब्लू लाइन का कुछ अलग है, तो रेड लाइन जो वैल्यू पे टच करा वो वैल्यू लेना है, और ब्लू लाइन जो वैल्यू पे, जहाँ पे कंपनीज का नेम लिखा है उसी का ही लाइन देखना है, सीधा क्लियर लाइन है वहां पे कंपनीज का, तो वहां पे कहां पे टच हो रहा है वो वैल्यू आपको लिखना है। HCL टेक महिंद्रा जो आप लिख रहे हो हम लोग भी लिखिए, आपको पहले वैल्यूज लिखना है, मैं जो कर रही हूँ मत करो, जो वैल्यूज लिखो फिर उसके बाद मुझे बताओ क्या वैल्यूज आ रहा है, वो बाद में लिखो ठीक है, पहले अपनी बुक में लिखो। डन मैम, हो गया ठीक है। सीटीएस के बाद है टीसीएस, चलो हो गया सबका, टाइम ज्यादा नहीं गवाना है वहां पे, सब बताओ नहीं हुआ मैम, ऐसा काउंट करते बैठेंगे तो 2-3 मिनट ऐसे ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फास्ट करोगे तो होगा, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए होता है, लेकिन काउंट तो करना ही पड़ेगा एक्चुअली, वो ज्यादा अच्छा, आप बार बार देखोगे ना ग्राफ में तो ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि वैल्यूज तो अब फाइंड आउट करना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, इसीलिए पहले लिख लोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। 2 मिनट का काम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में, 1 मिनट का ही काम है, 2 मिनट को देख के ये लिख लेने का, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ ये रडार ग्राफ है ना, रडार ग्राफ है हाँ। हो गया
ठीक है चलो बताओ वैल्यूज। चलो विप्रो से बताओ, विप्रो 2013 से बताओ। चलो 80 10 चेक करो सब अपना अपना, यहाँ पे 10 ना 50 हाँ। ओके इधर 50 60 50 60 50 30 40 50 70 80 30 20 फिर से 20 50 30 70 60 70 again 70 40 80 again 80 or 70। चेक कर लो सब अपना वैल्यू, चेक कर लो एक बार। हाँ मैम यही है। यही है ठीक है चलो। अभी है इसके ऊपर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है आपको एग्जाम में अगर ये आएगा ना तो एक बार लिख लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे लिख लो, बॉक्स वगैरह ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सब डेटा एक बार लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है कैसे भी लिखो, आपको जैसे समझेगा वैसे लिखो। चलो मैम। हाँ बोलो मैम। मेरा वो CPS और TCS का जो है ना लास्ट में 2013 का, हाँ? वो मेरा वैसे वो नहीं आ रहा है, मेरा 2030 आ रहा है, एक बार देखो ना। 2050 आ रहा है, किससे आएगा एक मिनट। हाँ मैम 2050 CTS TCS 2013 का बोल रहे हो ना, 13 का है ब्लू लाइन, वहां पे 80 70 60 40 40 आ रहा है। TCS का 4040 आ रहा है क्या? TCS का 40 है, CTS का 2013 का ब्लू लाइन। मैम L&T है ना, 30 और 40 आ रहे मैम, बाकी सब सही है, बट L&T का है ना मैम 2014 का 10 है, 10 है L&T का 2014 का, नहीं 10 नहीं होगा, 20 होगा, 20 है क्या? हाँ 20 है, सही है। बैक साइड से जाओगे ना तो आपको 20 ही आएगा। मैम ये देखो अभी इधर जैसे दो डॉट है, एक फर्स्ट वाले डॉट में तो जीरो है, तो ये जो सेकंड डॉट में 10 है ना मैम, मिडल में जीरो है, उसके ऊपर वाली लाइन 10 एकदम एकदम डॉट एकदम मिडल में, हाँ एकदम है, तो यहाँ पे 20 ही आएगा ना, एकदम जो एकदम सर्कल है ना सबसे स्मॉल सर्कल, उसके अंदर जो डॉट है वो, नहीं 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 ये डॉट जीरो है, ये वाला 10 है, ठीक है सबसे अंदर एक डॉट है ना वो जीरो है, उसके बाद 10 है, यहाँ पे 10 है, फिर ठीक है। ठीक है इसीलिए मैंने बोला बैक साइड से जाओगे ना तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है चलो। मैम हाँ नहीं आया मुझे वैल्यू लिखने, क्या हुआ अंचल? मैम मुझे वैल्यू लिखने नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं। देखो कैसे करना है देखो, फर्स्ट क्या है विप्रो है, ठीक है विप्रो में देखो 2013 में ब्लू लाइन है, ठीक है विप्रो में देखो ब्लू लाइन कहाँ पे टच हो रहा है, देखो विप्रो में 80 में टच हो रहा है ना। एक मिनट मैम विप्रो दिखा मुझे, विप्रो दिखा, ब्लू लाइन दिखा, कहाँ पे टच हो रहा है बाहर के साइड 80 पे टच हो रहा है, 80 पे, तो वो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद 2014 मतलब है रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन मतलब बैक साइड से जाओगे, रेड लाइन फोर्थ नंबर पर है, 1 2 3 4 कहाँ से फोर्थ नंबर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे जो है ये 80 है ना,
उसके बाद जो लाइन होगा ये हो जाएगा 70, उसके बाद जो लाइन होगा वो होगा 60, उसके बाद जो लाइन होगा वो मैम वैसे देखना है। तो मैम रेड लाइन तो 70 पे आ रहा है, 70 पे कैसे आएगा, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 50 पे आएगा ना। अच्छा मैम मतलब वही विप्रो वाले लाइन में देखना है क्या? हाँ हाँ विप्रो का विप्रो वाले लाइन में देखना है, 50 पे, हाँ 50 पे आ रहा है तो वही लिखना है आपको, वैसे ही कंपनीज का करना है, ठीक है समझा? हाँ मैम अभी समझा। क्वेश्चन वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी अर्न्स द मैक्सिमम इनकम ड्यूरिंग द ईयर। ये सब जो है इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका इनकम सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। विप्रो, विप्रो, एचसीएल, एचसीएल मैम, एचसीएल मैम, एचसीएल है, एचसीएल लग रहा है ये। हाँ मैम एचसीएल है, एचसीएल है पक्का, देखो सब। हाँ मैम एचसीएल का सबसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। हाँ मैम 210 आ रहा है एचसीएल का सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा है, ठीक है, चलो एचसीएल सही है। चलो क्वेश्चन सेकंड, इनकम ऑफ सीटीएस इन 2014 इज व्हाट परसेंट less than the income of Infosys in 2015? 20% 20 नहीं है, CTS है, TCS नहीं है, 16.66, वेरी गुड, सही है। CTS TCS में कंफ्यूजन हो सकता है, 16.66 मैम, वेरी गुड, 16 2/3, वेरी गुड, सही है। हेलो मैम, हाँ बोलो। SCL का वो तीनों ईयर का ऐड किया ना, तो फिर वो मैक्सिमम आया। हाँ सही है, ये तीनों जो है ना इसका ऐड किया, ये सबसे ज्यादा है इसीलिए एचसीएल आंसर आया, क्योंकि बाकी सबका ऐड करोगे ना बाकी सबका कम है एज कंपेयर टू एचसीएल, तो एचसीएल सबसे हाईएस्ट है। चलो बाकी सब बताओ, लेस देन बोला है ऊपर आएगा डिफरेंस, नीचे क्या आएगा इन्फोसिस इन 2015 इनटू 100 हो जाएगा। 16.66 मैम, वेरी गुड, सही है। Difference 10 divided by Infosys in 2015 60 in 200 चलो बाकी सब बताओ। CTS in 2014 देखो गया कितना है, CTS in 2014 है और यहाँ पे है CTS, मतलब 5015, ठीक है, ये हो गया 15। Infosys in 2015, Infosys यहाँ पे है 2015, ये आएगा 6,
ठीक है। और यहाँ पे बोला है आपको परसेंट पूछा है पहली बार, दूसरी बार बोला है लेस देन, मोर देन हो लेस देन हो, मोर और लेस देन हो आपको क्या करना है डिफरेंस लेना है। तो 60 और 50 का डिफरेंस कितना होगा 10 होगा, तो वो ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय। यहाँ पे किसके बारे में बोला है इन्फोसिस इन 2015, मतलब ये 60 है तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 60, और परसेंट पूछा है तो यहाँ पे होगा इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल होगा, 1/6 किसका होता है परसेंटेज 16.66%, ठीक है 16.66 का डायरेक्ट आता है 1/6, या तो 100 डिवाइडेड बाय 6 करोगे, माइनस क्योंकि लेस देन बोला है इसीलिए, लेस देन हो मोर देन हो हमें क्या करना है हमेशा माइनस डिफरेंस ही लेना है ऊपर। क्वेश्चन थर्ड, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ टेक महिंद्रा इज 82% of its income in 2014 and that of Wipro is 84% of its income in 2015. What is the ratio of their profits? प्रॉफिट्स कैसे मिलेगा हमें, जब हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। One is to two आया? हाँ नहीं twenty seven into two कितना होगा नहीं आएगा तो भी 54 होगा 56 नहीं होगा, ठीक है तो जो रेशियो है वो एज इट इज रहेगा 27:56। सही है वेरी गुड। हाँ तो मेरा अरे मैंने ये रेशियो में गलत कर दिया मैंने।
मेरा भी वही आया था पर मैंने वो 9 से ये कर दिया मैंने मतलब हाँ 27 को 3 लिख दिया क्योंकि 3 9 था और मैंने 56 को 6 लिया इनटू 6 किया ऐसा कर हाँ 9 इनटू 6 किया वही गलत चलो बाकी सब बताओ और किसी का आया मैम 27:56 सही है हेलो मैम हाँ बोलो मैम वो सेकंड का आंसर क्या है सेकंड क्वेश्चन का सीटीएस का सेकंड का सीटीएस का एक मिनट सीटीएस इन 2014 बोल रहे हो आप हाँ मैम 50 था ना उसका 16.6 आंसर 16.6 बताओ ना मैम मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था अच्छा 50 और 60 वैल्यू आया था ना आपका दोनों का बोलो 50 और 60 आया था CTS in 2014 कितना था 5050 हाँ मैम हाँ ठीक है और 2015 में इंफोसिस का वैल्यू कितना था 6060 ठीक है अभी यहाँ पे पूछा क्या था परसेंट पूछा था किसका परसेंट कि जो CTS है ये वाला वो कितना लेस है इससे अभी कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया जाना कि लेस कितना है या तो मोर कितना है या तो मोर और लेस ऐसा जब भी आएगा ना आपको क्या करना है सिंपली इन दोनों का डिफरेंस लेना यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 है लेकिन मोर होता तो भी हम डिफरेंस लेंगे लेस होगा तो भी हम डिफरेंस ही लेंगे जो 10 है वो ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय अभी लास्ट में क्या बोला है इंफोसिस इन 2015 बोला है इंफोसिस इन 2015 कितना है हमारा 60 है 60 तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 60 और जब भी हमें परसेंटेज पूछते हैं तो हम क्या करते हैं कभी भी हमें अगर परसेंट पूछा है किसी भी वैल्यू का इनटू 100 लेना ही है आप ठीक है 00 कैंसिल कर दिया मैंने अभी यहाँ पे कितना है 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 100 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तब आपका वैल्यू क्या आएगा 16.66% आएगा ठीक है ये जो होगा वो परसेंटेज में होगा डायरेक्ट करोगे या तो आप याद भी रख सकते हो जो परसेंटेज का जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया है 1/6 आपको जब भी 1/6 दिखेगा आपको लिखना है 16.66% जब भी आपको दिखेगा 16.66 आपको डायरेक्टली लिखना है 1/6 तो यहाँ पे 1/6 है तो ये देख के भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो 16.66 मैम नेट का इशू हुआ था एक बार दोबारा से बताओगे क्या क्या बताना ये वाला ये आंसर आंसर ये आंसर ना 1/6 इनटू 100 है ठीक है यहाँ पे क्या है 1/6 इनटू 100 नहीं ये 50 और 60 क्यों लिखा हुआ है ये इसका नहीं बता रही मैं लास्ट क्वेश्चन का बता रही हूँ अच्छा अच्छा ठीक है समझा कौशल आपको यस मैम थैंक यू चलो जिनका आया था वो बताओ ये कैसे किया आपने ये जो बोला है 82% 84% क्या किया 18% निकाला है 16% निकाला मैम हाँ वही किया डायरेक्ट इनकम का ही निकाला हाँ सेविंग चलो इनकम देखो इनकम जो है ना इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा इनकम में इंक्लूड होगा हमारा एक्सपेंसेस
और प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट इंक्लूड होगा, ठीक है। जो इनकम होता है, कोई भी इनकम हो, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, क्योंकि इनकम मतलब टोटल होता है, तो टोटल कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है। इनकम का अगर परसेंटेज 100 है, ठीक है, हमें एक्सपेंसेस का परसेंट कितना दिया है, 82 दिया है। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस होता है, उसका परसेंट हमें दिया है 82, टेक महिंद्रा का 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पे 82 दिया है, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। कैसे मिलेगा प्रॉफिट का परसेंटेज, कैसे मिलेगा, जब हम 100 माइनस 82 करेंगे तभी हमें मिल जाएगा प्रॉफिट का परसेंट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 18% आएगा डायरेक्टली प्रॉफिट का परसेंट, लेकिन किसके लिए, टेक महिंद्रा इन 2014 के लिए आपको 18% लेना है, क्योंकि लास्ट में देखो क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, देखो 82% आप क्या करोगे, इनकम का निकालोगे, उसके बाद 82% निकालने के बाद आपको माइनस करना पड़ेगा, तो भी 18% ही होगा, वो वैल्यू जो आएगा वो 18% ही होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। वैसे ही देखो विप्रो का भी कर सकते हो, 100 माइनस क्या करोगे 84, जैसे यहाँ पे किया तो आपको मिलेगा विप्रो इन 2015 कितना मिलेगा यहाँ पे, 16%, ठीक है। डायरेक्ट 16% भी कर सकते हो, क्योंकि हमें प्रॉफिट से मतलब है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो टेक महिंद्रा इन 2014 कितना है, 30 है, ठीक है, और विप्रो इन 2015 यहाँ पे है 7, इसका डायरेक्टली 18% निकालोगे आप, 18 divided by 100 करोगे, ठीक है, मतलब ये आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट। और 70 का कितना परसेंट निकालोगे, 16%, मतलब इनटू 16 divided by 100, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अगेन प्रॉफिट मिल जाएगा। और बीच में क्या है, रेशियो है, रेशियो पूछा है ना हमें प्रॉफिट का, ठीक है। ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है डायरेक्टली कैंसिल होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में रेशियो है तो आप कैंसिल कर सकते हो। 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया, दोनों चला गया, ठीक है, जीरो जीरो चला गया। अभी यहाँ पे है 18 and 3 और यहाँ पे कितना बचा है, 7 and 16। यहाँ पे दोनों को देखो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। अभी देखो और डिवाइड हो रहा है क्या, यहाँ पे है 3 and 9, यहाँ पे है 7 and 8, और डिवाइड नहीं होगा, 9 into 3 कितना हो जाएगा, 27, और 7 into 8 कितना हो जाएगा, 56। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो, 27:56। समझा, डाउट है किसी को? मैम ये क्या 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 फिर से बोलो, रेशियो का, ये वाला रेशियो का या परसेंटेज का, ये पता, ये सबको समझा क्या, बोलो रेशियो का, रेशियो का पता है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या था, 30, 1800, 70, 1600, ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय 100 सेम वैल्यू है ना, तो डायरेक्ट क्या कर दो, कैंसिल कर दो, क्योंकि बीच में रेशियो है, हम डिवाइड करें, यहाँ पे प्लस नहीं है, तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो, 100 100 कैंसिल कर दो पूरा, ठीक है। ये जीरो और ये जीरो दिख रहा है आपको, ये भी कैंसिल कर दो। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 18 था, यहाँ पे था 16, दोनों को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आया, 9 into 2 होता 18, 8 into 2 होगा 16, तो यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 8। ये जो 3 and 7 है, और डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी और डिवाइड नहीं हो सकता, दोनों में कॉमन कट होना चाहिए, नहीं होगा तो जो बचा है वो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई, 9 into 3 27, 7 into 8 56, ठीक है। ये जो 100 दिख रहा है ना, वो डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो जब रेशियो होगा बीच में, ठीक है मैम। लेकिन अगर ऐसे कट नहीं करके, अगर हम इंटरनली कट करते हैं ना, जैसे 13 into 18 divided by 100, वैसे अगर हम करेंगे कैंसिल करके, तो आंसर कुछ और ही आ रहा है, नहीं तो भी आंसर आना चाहिए ना। ऐसे कैसे आपका आंसर अलग आता है, यहाँ पे कितना आएगा,
यहाँ पे नाइन नाइन इन ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय फाइव, यहाँ पे कितना आएगा, जीरो जीरो कैंसिल होगा, ठीक है, टू इंटू ये यहाँ पे लिख देते, चलो 56 अपॉन 10 70 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100, जीरो जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे टू से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 इंटू 8 कितना होगा 56 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 2756। क्यों आ रहा था अलग, अलग आना ही नहीं चाहिए आपको आंसर। चलो हो गया लिख के सबका, किसी को डाउट है और बोलो, और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है मैम, और कितने दिए है बच्चे? और एक एक से तू पक गए डीआई से क्या मैम? पक गए डीआई से? हाँ मैम। तो मैम बहुत, अरे डीआई से पक्के कैसे चलेगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज है डीआई का, ऐसे मत करो मैम। कोई बहुत ज्यादा आ गए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे डीआई के बाद डीआई का अभी एक मेन डीआई बाकी है जो टाइम पे डिस्टेंस पे बेस्ड है, ठीक है, वो डीआई होगा ना तो हमारा डीआई कंप्लीट हो जाएगा, और एक डीआई बाकी है, सिर्फ एक डीआई बाकी है। कौन सा मैम? स्पीड टाइम डिस्टेंस, वहां पे मिक्स है, मतलब मिक्स डीआई भी है, वो स्पीड टाइम मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस जो चैप्टर है उसके ऊपर भी बेस्ट है, और वो मिसिंग भी है, मतलब तीनों का तीनों एक ही डीआई में है, ठीक है मैम। हम लोग का तो टाइम स्पीड डिस्टेंस तो नहीं हुआ है, तो फिर मैम इवनिंग में नहीं हुआ है स्पीड टाइम? नो मैम, रेशो प्रोपोर्शन भी नहीं हुआ मैम। रेशो नहीं हुआ है क्या? नो मैम। इसके बाद कौन सा लेना, क्या क्या बाकी है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है मैम, परसेंटेज हुआ है, और डीआई भी एक बार हुआ है, प्रोबेबिलिटी बाकी है। हाँ प्रोबेबिलिटी बाकी है। और क्या क्या बाकी है बताओ? स्पीड टाइम डिस्टेंस भी बाकी है। हाँ मैम। रेशियो भी बाकी है आपका? हाँ मैम, रेशियो भी और प्रोबेबिलिटी भी। और बताओ और कौन सा चैप्टर है? फिर डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क भी बाकी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बाकी है, वो हाँ वो भी नहीं आता है, वो सेम ही है सब। मेंस्ट्रुएशन तो मैम रेशो प्रोबेबिलिटी हां और टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क चार। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन तो वो सर लेते ना, और टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ना? हाँ मैम, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ है, रेशियो बाकी है, रेशियो स्पीड टाइम डिस्टेंस बाकी है, प्रोबेबिलिटी बाकी है। तो मैम अभी रेशियो ढूंढना, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप? हम न्यू स्टूडेंट के लिए तो सभी बाकी है। हाँ आपको तो कोई भी चलेगा, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको तो कोई भी चैप्टर चलेगा, उनका तो सब बाकी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो मैम रेशो प्रोपोर्शन लो ना, बेसिक से ना, वैसे भी हमारा भी नहीं हुआ है, ठीक है चलेगा। इसके बाद फिर रेशो चाहिए तो रेशो ले लेंगे, ठीक है, सबको चलेगा ना रेशो, बोलो बोलो कुछ तो।
मेरा तो हो गया। हाँ आपका हो गया ना, ठीक है बाकी सब तो बोलो। डीआई तो दो बार हुआ है मैम इवनिंग लेक्चर में। जो नहीं हुआ है वो बताओ, जो नहीं हुआ है क्या चाहिए नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, क्योंकि इसके बाद अभी एक ही डीआई बाकी है, उसके बाद डीआई खत्म हो जाएगा। चलो इसके बाद रेशो ले लेंगे, ठीक है रेशो। मैम सुनो ना, बोलो मैम 7:5 मैम कल आपने बोला था ना कि वो जो एग्जाम है इसका आईबीपीएस क्लर्क का वो विड्रॉ कर दिया है करके 7:5 विड्रॉ कर दिया उन्होंने, कर लिया है ना, सिर्फ पूछ रही हूँ दोबारा से। हाँ हाँ कर लिया है लेकिन वो फिर से आ जाएगा, अभी नोटिफिकेशन आएगा लेकिन वो कब आएगा वो नहीं बता सकते। मैम अगस्त तक आएगा ना वो? नहीं नहीं वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, अभी भी एक वन मंथ में भी आ सकता है वो फिर से, तो बता नहीं सकते एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। वो नॉर्मली एक्चुअली अभी एग्जाम नहीं होता, आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है ना वो नवम्बर दिसंबर या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है, अभी नहीं होता है वो, उन्होंने जल्दी लाया एक्चुअली नोटिफिकेशन ये टाइम पे, लेकिन अभी माइट बी इसीलिए विथड्रॉ कर लिया होगा ना मैम। नहीं वो प्रॉब्लम भी हुआ होगा उनका, कोई इश्यू हुआ होगा, हम नहीं बता सकते ना, अगर नोटिफिकेशन में दिया है कि क्या इश्यू हुआ है तो वो मैंने नहीं देखा है, वो मैंने बस इतना देखा है कि वो उन्होंने विथड्रॉ किया है, तो फिर से आएगा तो वैसे भी पता चल जाएगा, फिर से तो आएगा ही लेकिन कब आएगा। कौन सा एग्जाम होता है? जून जुलाई में आरआरबी का एग्जाम होता है, अभी क्या चालू है जुलाई चालू है ना, अभी कौन सा एग्जाम होगा आरआरबी, आरआरबी क्लर्क होगा, आरआरबी पीओ होगा, एलआईसी का भी कभी कभी आता है लेकिन एलआईसी का डिपेंड करता है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। हाँ हाँ रीजनल रूरल बैंक 7:5 तो फिर वो तो हम लोग सही है, वेरी गुड। जिनको देना है वो दे सकते हैं आरआरबी, वेरी गुड अनु सही है, तो फॉर्म तो बंद हो गया ना मैम 7:5 वेरी गुड राज। वेरी गुड आकांक्षा सही है, वेरी गुड मीना, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड रम्या सही है। मैम वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाला एसबीआई कब खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है वो तो आपको ही देखना पड़ेगा, मैंने वो देखा ही नहीं एक्चुअली नोटिफिकेशन, इतना देखा है कि वो आया है। वेरी गुड हर्षल 27 है, 1 ईयर के बाद फिर से जॉब ढूंढना पड़ेगा। एक साल का मुझे लगा 2 इयर्स का तो होगा एटलीस्ट, 2 से 3 साल का होता है ये नॉर्मली, 1 ईयर का है क्या मैम? क्या मैम एसबीआई का कॉन्ट्रैक्ट वाला मैम 7:5 वेरी गुड सही है, यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 5, 7:5 सही है। मैम 21 और 21:15 है, सो 7:5 कैसे मतलब?
तीन से डिवाइड किया मैंने दोनों को, थ्री से डिवाइड किया, डिविजिबल है ना और डिवाइड हो सकता है। ओके डिवाइड कर दिया ठीक है। इसीलिए तीनों इयर्स का टोटल आएगा, एचसीएल का और टेक महिंद्रा का, तीनों साल का आएगा। चलो हो गया, रफ कर दो ना। चार ही क्वेश्चन था। हाँ चार ही क्वेश्चन। मैम नाबार्ड के बारे में क्या होता है, मेरे को पता नहीं है नाबार्ड का बैंक एग्जाम। नाबार्ड नाबार्ड एक क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारा आरबीआई है ना, जैसे वो एग्रीकल्चरल बैंक है ना मैम, वो एग्रीकल्चर का ही एग्रीकल्चरल बैंक है। जैसे आरबीआई देखो बैंकों का बैंक है ना, बैंकर्स बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, वैसे ही नाबार्ड भी एक कहां एक रूरल के लिए होता है, जहां पे आरआरबी जो हम एग्जाम देते हैं ना वो आरआरबी जो है नाबार्ड के अंडर आता है, तो नाबार्ड उससे भी बड़ा इंस्टीट्यूट है ऐसे बोल सकते हैं। तो मैम उसकी जॉब मतलब गांव साइड में ही लगती है, यहां पे नहीं लगेगी? डिपेंड करता है, वो बता नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि नाबार्ड ओवरऑल है ना तो बता नहीं सकते। और उसका एग्जाम एक्चुअली थोड़ा सा लेवल होगा, क्लर्क से अप होगा लेवल थोड़ा नाबार्ड का। नाबार्ड के फॉर्म जल्दी नहीं निकलते ना मैम? अभी निकला है ना एग्जाम, अभी 17 से चालू हो रहा है नाबार्ड का। हाँ हाँ नाबार्ड का 17 से आप भर सकते हो फॉर्म। उसको रीड कर लो अच्छे से और उसके बाद भर दो ठीक है। मैम अभी सिखा रहे हो? हाँ एक एक मिनट, अरे क्या करेंगे सिखाएंगे ना मैम, वो डायग्राम विग्राम बनाने में टाइम चले जाएगा। वो तो नहीं बनाऊंगी, जो है ना हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस वो नहीं लूंगी, वो ज्यादा वो डायग्राम बनाने में 10 मिनट जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको जो कैसलेट है ना कैसलेट देती वो अभी ड्रॉ करो आप ठीक है। हाँ चलेगा, कैसलेट ड्रॉ करो चलो फटाफट। इन रिसेंटली उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, सिर्फ कैसलेट आपको आप ड्रॉ करो ठीक है, क्वेश्चन नहीं लेंगे सिर्फ कैसलेट ड्रॉ करेंगे। Held survey, there were 12,000 persons in local area. Out of these, ma'am, ek castlet hai kya? Ha ha, castlet. 3,000 use only Airtel sims. मैम इसमें most of Venn diagram ही बनता है क्या? कभी कभी normal भी आता है वैसा, मतलब मैम एक इसका तीन का है कि दो का है? तीन का है, दो का नहीं है। Only Vodafone क्या हुआ? ये क्या लिखा है बोल रहे हो आप? उसके आगे वाला मैम THERE देर वर इन रिसेंटली हेल्ड सर्वे देर वर 12,000 पर्सन इन लोकल एरिया ठीक है, ये लोकल है, 10 दिखेगा लोकल है
local area. Out of these 3000 use only Airtel SIMs, 2400 use only Vodafone SIMs, and 1450 use only Idea SIMs. The number of person who are using the SIMs. मैम आइडिया वोडाफोन एक हो गया अभी हाँ अभी हुआ है लेकिन पहले का नहीं हुआ the using the कहा गया using the SIMs of all the companies is 1500. The number of person who use यहाँ पे clearly दिया है सब कुछ कुछ find out ज्यादा नहीं करना पड़ेगा चलो the number of person who use Airtel SIMs and Idea SIMs but not Vodafone SIMs is 450. The number of people who use Vodafone and Idea SIMs but not Airtel is 550 and number of those who use Airtel and Vodafone SIMs but not Idea is 3200. क्या हुआ 3000 चलो बनाओ टोटल 5 क्या हुआ मैम मेरा टोटल 12000 नहीं आ रहा है डायग्राम तो बन गया 12000 नहीं आ रहा है नहीं फिर से चेक करूं फिर से एक बार स्टार्टिंग से चेक करूं मैम वॉइस नहीं आ रहा अच्छा किसी का बना यहाँ पे आपको ना डायरेक्टली वैल्यूज करो 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 डायरेक्टली वैल्यूज भी आपको कोई फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे क्लियर वैल्यूज दिख रहा है ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं यहाँ पे
मैम नहीं हो रहा, मैं देखा एक बार नहीं हो रहा है। किसी का बना बताओ मैम, कम आ रहा है, 2000 पूरा नहीं आ रहा है। यस मैम, 2400 यूज ओनली वोडाफोन सिम्स, 1450 यूज ओनली आईडिया, 1500 वोडाफोन सिम्स, 9700 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, 350 मैम पक्का ये हंड्रेड में ही है, वरना वो थाउजेंड में रहेगा। एक मिनट चेक कर, मतलब 4500 उसके बाद 5500। हाँ तो मिसिंग है यहाँ पे, सही है 9700 ही आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे 2400 कुछ तो मिसिंग है, इसके लिए वो लास्ट का आप लिख रहे थे ना, मुझे लगा वो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा ना वो रहेगा, इसलिए 3200 ये बोल रहा मैम। यहाँ पे जितना भी अमाउंट है स्टार्टिंग में वो सब थाउजेंड में है, तो ये थाउजेंड में होगा, चेक करो मैम, वरना एक जीरो बढ़ा के देखो ना मैम, हो सकता है ये 4450 है तो 4500 हो जाए। टोटल कितना आ रहा है, वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा जो अगर वो एक्चुअली ज्यादा हो जाएगा, ये इतना नहीं बढ़ा सकते। 3000 यूज 12,000 persons in local area. Printing mistake रहता मैम। हाँ हो सकता है printing mistake, ठीक है 9700 है ना? Yes मैम। हाँ मैम। Totally change कर दूँ मैम। हाँ totally change कर दूँ। Yes मैम। यही सही है। सबका total 9700 ही आ रहा है। हाँ मैम। Okay ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलो। आज मैंने आपको डाउट सेंड किया था, मिला क्या आपको? डाउट सेंड किया था? हाँ। कौन सा डाउट था? कोडिक इक्वेशन का था। हाँ आपने पूछा था डिफरेंस क्या है। हाँ उस दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ दोनों में डिफरेंस क्या डिफरेंस है, जो इक्वेशन होता है जिस टाइप का होगा हम उसी टाइप से जाएंगे ना। नहीं मतलब वो दिया तो सेम ही है, मतलब उसको सॉल्व अलग अलग तरीके से किया है, इसीलिए मैं पूछ रही थी। क्योंकि जैसे तरीके से जैसा हमारा इक्वेशन होगा उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सब इक्वेशन सेम टाइप नहीं होते, जैसे हमें दिया होगा उसी टाइप से हमें जाना पड़ता है। अभी वो जो एक्स स्क्वायर था, एक्स प्लस समथिंग दिया था, उसका स्क्वायर दिया था, तो आगे जो सेकेंड इक्वेशन था उसमें आपको स्क्वायर पता था, जो वैल्यू दिया था उसका स्क्वायर पता था, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट स्क्वायर हटा दोगे दोनों साइड का। लेकिन फर्स्ट जो इक्वेशन आपने भेजा था वहां पे क्या किया था, वहां पे जो एक्स प्लस कोई वैल्यू था उसका स्क्वायर था, लेकिन आगे क्या था, आगे कोई स्क्वायर नहीं था, आगे तो जीरो था, तो आपको वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे क्वेश्चन होता है वैसे हमें करना पड़ता है। अच्छा मतलब जो स्क्वायर है वो परफेक्ट दिया हो तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा ओके चलो, यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा सर्कल। चलो आउट ऑफ दिस 3000 यूज ओनली एयरटेल, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एयरटेल, यहाँ पे आएगा आइडिया, नीचे आएगा वोडाफोन। ठीक है 3000 यूज ओनली एयरटेल बोला है तो 3000 यहाँ पे आएगा। आप चेक करो मैं लिख रही हूँ आपने सही लिखा है नहीं, देखो
2400 यूज ओनली वोडाफोन सिम, तो वोडाफोन यहाँ पे आएगा वैल्यू 2400. उसके बाद यहाँ पे बोला है 1450 ओनली आइडिया, तो यहाँ पे आएगा 1450. आगे देखो द नंबर ऑफ पर्सन हु आर यूजिंग सिम्स ऑल द कंपनीज 1500, मतलब तीनों सिम यूज करते वो है 1500, मतलब यहाँ पे आएगा. यहाँ पे देखो तीनों का तीनों सर्कल आ रहा है, यहाँ पे ये वाले वैल्यू में तीनों सर्कल आ रहा है, तो इसीलिए ये मिडल में आएगा क्योंकि तीनों यूज करते हैं 1500. द नंबर ऑफ पर्सन हु यूज ओनली एयरटेल एंड आइडिया सिम बट नॉट वोडाफोन सिम इज 450. एयरटेल एंड आइडिया लेकिन वोडाफोन नहीं चाहिए, तो एयरटेल और आइडिया यहाँ पे आएगा. यहाँ पे वोडाफोन नहीं है, ये वाला देखो ये वाला सर्कल यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 450 आएगा. हाँ 450 आएगा. द नंबर ऑफ पीपल हु यूज वोडाफोन एंड आइडिया बट नॉट एयरटेल. वोडाफोन यहाँ पे है, आइडिया यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आएगा 550 ये वाला वैल्यू, ये वाला बच्चा है ना. एंड नंबर ऑफ दोज हु यूज एयरटेल एंड वोडाफोन, एयरटेल एंड वोडाफोन ये है, मतलब यहाँ पे आएगा 550. और उसके बाद 350 है, 350 बहुत कंफ्यूजन आ रहा है मुझे. ठीक है 350 हो गया ना, सब वैल्यूज हो गया. इतना ही था, ठीक है सबका आया ना ये. हाँ मैम मैम सबसे सिंपल यही है. इसमें सब गलत किसका था, गलत क्या था? पॉपुलेशन टोटल इन सबका टोटल यहाँ पे 9700 है, 12000 नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे 9700 लिखा. ठीक है वहाँ पे कुछ गलत हुआ रहेगा, 12000 नहीं होगा क्योंकि ये सब दिख रहा ना वैल्यू, सबका टोटल क्या होना चाहिए था 12000 लेकिन नहीं हो रहा था, इसके लिए प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगा, फिर 9700 वहाँ पे लिख दिया. ठीक है सबका आया ना ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजी था, सब वैल्यूज डायरेक्टली दिया था, कुछ डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट नहीं था यहाँ. ठीक है फिर एक दिया है बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उसके बाद हम रेशो बाकी है ना, तो रेशो ले लेंगे. ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में रेशो लेंगे, उसके पहले जो दिया है वो खत्म कर देंगे, चलेगा? आपने बोला था ना हाई लेवल के दिया लेंगे. हाँ वो मैंने उसका वो बाद में मैंने बोला ना कि वो अलग से ही आपका अलग से लेक्चर होगा, वहां पे ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे डीआई अभी सब बोल रहे डीआई नहीं चाहिए, इसीलिए बाद में एक अलग से लेक्चर लेंगे, वहां पे हाई लेवल का डीआई लेंगे. मैम ले लो ना, एक दो ही ले लो, कंटिन्यू करो ना मैम, लेना है क्योंकि अभी कंटिन्यू फ्लो चल रहा है, तो वही कर दो ना, बीच में गैप. हाँ गैप दे दोगे फिर बाद में तुम कुछ समझेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है. नहीं समझेगा ना फिर तो अभी करवा देखो, अभी तो प्रीलिम्स चालू है, इसीलिए मैंने सोचा कि बाद में लेंगे तो ये अच्छा है क्योंकि अभी सब प्रीलिम्स ही है, तो उसमें आपका स्पीड ज्यादा होना चाहिए. प्रीलिम्स होने के बाद एक बार आप ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में डीआई ले लेंगे. ठीक है वो खत्म होने के बाद वो भी मेंस लेवल का ही है, उसके बाद और एक डीआई ले लेंगे. ठीक है ओके मैम, चलो स्टूडेंट्स बाय बाय. बाय मैम, थैंक यू, गुड नाइट. बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय.